निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंगरी इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती है इनकी सभी उपरुक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय की महान सेवकाई के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कबूतर की वाणी इस श्रृंखला के दौरान हम चाहते हैं कि आप इस अध्ययन को सुने और इससे सीखें कि आज हमें कबूतर की वाणी सुनने की आवश्यकता क्यों है Greetings to you in Jesus' name. यशु के नाम में आपका अभिवादन करते हैं इट इज डेफिनेटली जॉय टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ़ गॉड एंड इट इज जॉय टू एंजॉय और परमेश्वर की उपस्थिति में होना बड़े आनंद की बात है और साथ ही परमेश्वर के वचन का आनंद लेना और साथ ही रोटी तोड़ना ये बड़े ही आनंद की बात है साथ मिलकर थोड़ा देर एक साथ मिलकर समय को बिताए और हम सीखे कि प्रेम क्रिया में कैसे दिखाई देता है let us turn to the book ऑफ फर्स्ट जॉन इसलिए आइए आप मेरे साथ पहला योहन्ना. And, निकाले एंड लेट अस टर्न टू थर्ड चैप्टर एंड वर्स और उसका अध्याय तीन और वचन अठारह हम देखे फर्स्ट जॉन थ्री अध्याय तीन वचन अठारह इट्स स्माइल लिटिल चिल्ड्रन हे मेरे बालको लेट अस नॉट लव इन वर्ड और इन टाइंग बट इन डीड एंड इन ट्रुथ हम वचन और जीब ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करे द वर्ल्ड ऑफ लव ओनली व्हिच इज ऑन टंग आज हम जिस प्रेम के बारे में देखते हैं वो केवल वचन और जीभ तक ही सीमित रह गया है लव इन वर्ड सिर्फ शब्दों में ही प्रेम रह गया है बट हियर लिटिल चिल्ड्रन टाइम बट इन डीड एंड इन ट्रुथ लेकिन यहाँ पे जो प्रेरित है वो हमें कहता है कि हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें when uh, you love don't love only in uh, words saying oh we feel pity for you और हम सिर्फ शब्द मात्र से ही इस प्रकार कहते हुए प्रेम ना करें सचमुच में मुझे आपके विषय में बहुत बुरा लग रहा है and then uh, saying one thing and in the in the heart they will be saying oh good thing it happened to you and it should happen to you like that और मुंह पर कुछ और कहते हैं और मन में ऐसा विचार करके कहते हैं कि अच्छा हुआ इस व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना चाहिए था यू आर बैड फेलो एंड यू शुड गो थ्रू सच टफ टाइम क्योंकि तू एक बुरा व्यक्ति है और तुझे ऐसी मुश्किल भरी परिस्थिति से गुजरना बिल्कुल जरूरी है बट द लव इन डीड एंड ट्रूथ डेफिनेटली फील्स कंपैशन फॉर द पर्सन हु इज बिफोर यू परंतु प्रेम काम और सत्य के द्वारा जब दिखाई देता है तो वो ऐसा दिखाई देता है कि जैसे एक व्यक्ति आपके सामने में खड़ा है और जैसा आप बोल रहे हैं उसके प्रति वैसा ही प्रेम When you tell that, oh, we feel definitely, and uh, we are with you in this struggle, and not only that, you will definitely do some action also. लेकिन जब आप किसी के विषय में आ, दया से भर जाते हैं और अपने शब्दों के द्वारा जब उसके दुख में उसको सराहते हुए कहते हैं कि मुझे आपके विषय में सुनकर बड़ा दुख हो रहा है सिर्फ शब्द मात्र से ही इस कार्य को ना करे लेकिन वो क्रिया में भी दिखने दीजिए सपोज़ पर्सन इज़ सिक उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति बीमार है you know, उस व्यक्ति के पास जाना उससे मुलाकात करना उसके लिए प्रार्थना करना अच्छी बात है बट लव इन डीड एंड एक्शन इज समथिंग इज सुपीरियर देन दैट दैट समर यू आर गोइंग टू ए पर्सन यू विल नॉट ओनली टॉक बट यू विल टेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक टी गो टू देर किचन मेक टी एंड गिव टू और यदि हम देखें कि प्रेम के द्वारा कार्य या काम के द्वारा प्रेम को दर्शाना ये ये होता है कि हम जब उनसे मिलने जाते हैं तो केवल हम शब्द मात्र से उनके दुख में सम्मिलित नहीं होते लेकिन साथ ही हम उनके लिए कुछ करते हैं जैसे उनके किचन में जाकर उनके लिए चाय बनाकर लाए गोट किचन एंड मेक फूड फॉर दैम the बी लिक्विड और मे बी वेरी लाइट फूड Or maybe uh, regular food. So make it and see that the person eats it, and then see that. You are the वो, uh, form में हो या solid form में हो। हम उनको पका कर दे सकते हैं ताकि वो उसे खाए और हम देखें कि वो खा रहा है Enough. ये भी एक प्रेम के द्वारा काम करना है टूडे सच लव definitely मिसिंग इन आर circles. लेकिन इस प्रकार का प्रेम अभी हमारे समुदाय में दिखाई नहीं देता यू माइट है आपने सिंह के विषय में अवश्य सुना होगा वंस ही वॉज वॉकिंग एंड सडनली देर वॉज टॉम ऑफ द आईज और एक बार जब वह चल रहे थे और उन्होंने देखा कि एक

चल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है वो पूरी रीति से बर्फ के कारण और कलाके की ठंड के, के कारण वो इस प्रकार की अवस्था में हो गया था कि मानो अब वो मरने पर ही है सिंह hey, का जो मित्र था वो कहने लगा ah, इसको यही छोड़ दो मरने के लिए बट सिंह सेड नो 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 माय क्राइस टॉट मी

ठंड में कड़कड़ाते हुए वे व्यक्ति को अपने कंधे पर उठा लिया then, uh, walking, walking, walking. और वो फिर आगे चलने आइस अचानक ऐसा हो गया कि उनका मित्र उस कड़ाके की ठंड के, के कारण और वो जो जमने वाली जो बर्फ थी उसके कारण वो नीचे गिर पड़ा बट आई कंटिन्यूड वॉकिंग बिकॉज ही कैनॉट टेक टू पीपल इन टू डिफरेंट शोल्डर्स लेकिन इस समय में सिंह आगे बढ़ रहे थे क्योंकि अब वो अपने एक ही कंधों पर दो लोगों को उठाकर नहीं लेके जा सकते थे दैट मैन एंड एज ही स्टार्टेड वॉकिंग बिकॉज ऑफ द रैपिडिटी बिटवीन दैट मैन एंड सिंह दे बोथ बिकेम अलाइव एंड देन दे बोथ वर सेव्ड आउट ऑफ दैट स्टॉर्म और इस प्रकार से ऐसा हुआ कि जब सिंह और वो व्यक्ति जो उनके पीठ पर लदा हुआ था वो उनके उस जल्दबाजी के कारण उस कड़ाके की ठंड में भी वे तेजी से चलकर एक ऐसे स्थान पे पहुंच पाए जहां पर वे अपने जीवन को बचा सके एंड व्हेन वी सॉ अदर्स मेरे प्रियो जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो वह इसलिए नहीं देता कि हम ही उस आशीष का आनंद ले, लेकिन उसका दूसरा बाजू जो है कि हम उस आशीषों का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए भी करें की पत्री में सेकेंड तिमोती थर्ड चैप्टर दूसरा तिमोतीय उसका अध्याय तीन रीडिंग अबाउट द लिस्ट ऑफ द लास्ट डेज ग्रुप हम वहां पे अंत के दिनों में पाए जाने वाले समूह के विषय में एक यादी को देखते हैं days, and, uh, क्योंकि जो अंतिम दिन हो वो सचमुच में ऐसे ऐसे दिन हो जो स्वार्थी दिन हो गए एंड पीपल बिकम सेल्फ सेंटर्ड एंड दे डोंट केयर फॉर एनीवन और लोग इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि उन्हें किसी और की परवाह भी नहीं होगी दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जीसस क्राइस्ट और वो यीशु मसीह के सिद्धांतों के बिल्कुल विरुद्ध है एंड पीपल वी कैन सी एवरीवेयर दे आर सेल्फ सेंटर्ड एंड दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स दे डोंट केयर अबाउट अदर्स और हम इन दिनों में देख रहे हैं कि लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वे सिर्फ अपने विषय में विचार कर रहे हैं दूसरों की चिंता करने का उनके पास समय भी नहीं है बॉउट से प्रूव्ड इट दैट इज डेफिनेटली रॉंग एंड सेल्फिशनेस इज डेफिनेटली सिन और सिग् ने इस बात को साबित कर दिया कि खुद पर प्रेम करना ये गलत है और ही वेंट आउट ऑफ हिज वे एंड देन स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल और वो अपने रास्ते से आगे चलते हुए उन्होंने दूसरों की सहायता की When he started helping people, जब वो लोगों की सहायता करना शुरू किए हिमसेल्फ सर्व उनकी भी सेवा की गई गॉड डेफिनेटली विल नॉट लिव यू वेन यू सर्व और वेन यू बिकम सर्वेंट ऑफ अदर्स जब आप दूसरों की सेवा करते हैं या दूसरे के दास होते हैं तो निश्चित ही परमेश्वर आपकी सेवा टहल के लिए भी किसी ना किसी को नियुक्त करता है सो ही कैरड दैट वन ऑफ द अदर फ्रेंड एंड देन बोथ ऑफ देम वर सेव्ड एंड दे वर Rejoicing when they saw that they were alive और इस प्रकार से उन्होंने जब आगे बढ़ते बढ़ते जब वो आगे गए तो उन्होंने अपने जीवन को पूरी रीति से बचा लिया are, उनको इस प्रकार से विचार भी आ रहे होंगे कि इस हिमालय में इस बर्फीली वादियों में हम शायद अपने जीवन को खो देंगे सो लव इन वर्ड और इन टंग इज ओनली लिमिटेड इन इट्स सेंस और यदि हम इसके विषय में विचार करें तो वचन या जीव से जो प्रेम हम करते हैं वो सीमित है बट लव इन डीड एंड इन ट्रुथ लेकिन हमारे जो काम और सत्य के द्वारा जो प्रेम है वो असीमित है इन डीड एंड इन ट्रुथ व्हाट डज इट मीन इट मीन्स आई लव टेक्स द एक्शन एंड देन नॉट ओनली दैट वेन यू आर टेकिंग द एक्शन यू आर ऑल्सो डूइंग इट ट्रूथफुली और जब हम काम और सत्य के विषय में प्रेम करना इस विषय में बात करते हैं तो तो प्रेम कर्म के द्वारा ये दर्शाता है कि मैं किसी व्यक्ति के लिए कुछ कर रहा हूं और जो भी कुछ मैं कर रहा हूं तो बड़े सत्य प्रेम के साथ कर रहा हूँ न्यूज you know, uh, और uh, वर्तमान पत्र में बैंगलोर में एक uh, ऐसा आर्टिकल छपा हुआ था एंड इट वॉज इन ट्रैंग लव एज एंडेड uh, और उस प्रकार लिखा हुआ था कि जो uh, त्रिभुजीय प्रेम है उसका अंत हो गया है इट इट गेव ए स्टोरी ऑफ टू गर्ल्स विथ वन मैन और पे इस प्रकार से बताया गया था कि एक व्यक्ति के साथ दो लड़कियां पाई गई दे और वे तीन दिन के लिए एक साथ कहीं चले गए सच ए इमोशनल लव विल एंटर इंटू ए ड्रेस्टिक एंड डेंजर uh, और इस प्रकार का जो ये भावनात्मक प्रेम है इसका जो अंत होता है वो बहुत ही दयनीय मृत्यु का होता है बट लव लेकिन जो सत्य प्रेम है क्रॉस जो यीशु मसीह ने क्रूस पर दर्शाया, ब्लड उसने अपना लहू बहाया He died for you and me. वो आपके और मेरे लिए मारा गया He rose the day. वो तीसरे दिन जी उठाइट so और वही पुनरुत्थित यीशु जिसने हमें बताया कि सत्य प्रेम क्या होता है दैट लव डेफिनेटली सेव्स यू एंड मी एंड गिवस एस

और कुछ लोग इस प्रकार से कहने लगे ये व्यक्ति अब तक जीवित है जबकि इसको दो बार अटैक आ चुका है ये टू अटैक हार्ट अटैक बिल्कुल सही है मुझे दो बार अटैक आया है Still God गॉड me alive। फिर भी परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर जिंदा रखा है होप फॉर दिस वर्ल्ड फ्यूचर on. डेफिनेटली आशा हम जरूर कर सकते हैं कि संसार का अंत जरूर होगा, लेकिन ये आशा भी हमारे पास है कि संसार को छोड़ने के बाद हमारे पास एक नया जीवन है योर लव फॉर Christ विल डेफिनेटली गिव यू sustenance फॉर द future and in future you will have

heavenly peace and comfort or yeshu hame or anandega and that is practical and it is not theoretical it is with uh, deed and truth or yes Uh, किताबों में लिखी हुई बातें नहीं है लेकिन व्यवहारिक रीति से हम उसके प्रेम को कर्म रूप में देख सकते हैं मे गॉड हेल्प टू रिलेट विद क्राइस्ट परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम यीशु के साथ जुड़ जाए वॉट इज क्रिस्टियानिटी मसीहत क्या है इट इज नॉट थियरी ये कोई लिखित वचन नहीं है इट इज प्रैक्टिकल लाइफ विद क्राइस्ट लेकिन उसके साथ साथ मसीह के साथ व्यवहारिक रीति से जीना भी है यू विल हैव ए अश्योरेंस दैट इवन आफ्टर डेथ आई कैन बी विद क्राइस्ट वो आपको एक ऐसी खात्री देता है कि यदि आपकी मृत्यु हो जाए तो आप उसके साथ एक अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे व्हाट ए ग्लोरियस होप वी गेट इन क्राइस्ट मसीह में हमें कितनी एक धन्य महिमा में आशा प्राप्त होती है माय गॉड्स

है कि आपके अपने लोग आपसे प्रेम नहीं कर रहे हो हो सकता है कि सभी ने आपको धोखा दे दिया हो।, have, uh, हो सकता है कि आपके मित्रों, आपके ने आपको धोखा दे दिया कम एंड कम्फर्ट यू एंड वाइप अवे यूर लेकिन प्रभु आपके पास आ सकता है और आपके आंसुओं को पोच सकता है और आपको शांति दे सकता है

प्रैक्टिकल ला क्या हम इस समय में उस कर्म के विश्वास की और अपना ध्यान आकर्षित करें प्रे टू द लॉर्ड राइट ना इस समय में हम प्रभु से प्रार्थना करें। करेंड आई एम sinner. प्रभु से कहे प्रभु मैं पापी हूँ माई बर्थ आई एम एनर इन फ्रॉम दूम ऑफ माई मदर आई एम sinner, लॉर्ड प्रभु जी मैं जन्म से पापी हूँ या तक की अपने माता के गर्भ से ही मैं पाप से जन्मा हूँ me. मुझे स्पर्श कर डिलीवर मी फ्रॉम दस सिन फ्रॉम बर्थ प्रभु जन्म पाप के उस श्रापो से तू मुझे छुटकारा दे Deliver me from the sin of my karma or deed। और मेरे कर्मों के द्वारा जो मैंने पाप किए उसके द्वारा प्रभु मुझे छुटकारा दे Touch me, cleanse me with your blood। यीशु तू मुझे अपने लहू के द्वारा स्पर्श करो शुद्ध कर Heal me right now। मुझे अभी चंगा कर Touch me right now। अभी मुझे छू Let there be a complete

पर्सनैलिटी कैन बी डेवलप्ड बाई हिज माइटी पावर और मसीह की शांति आपके विचारों को आपके मन को सुरक्षित रखेंगी और साथ ही उसकी सामर्थ आपके व्यक्तित्व को उभारेगी चलवी राइट नाम क्या हम इस समय में अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें क्या हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे देने आँखों को बंद करें। लेट्स आई हम प्रार्थना में प्रभु की ओर देखें। फादर वि थैंक यू फॉर दिस डे विज के दिन के लिए आपको धन्यवाद योर आर लविंग एंड लिविंग गॉड तू प्रभु जी प्रेमी परमेश्वर और जिंदा परमेश्वर है थैंक यू फॉर योर ग्रेसियस वर्ड विच केम टू With all authority and clarity, Lord. प्रभु जी तेरे सुंदर वचन के लिए जो बड़े अधिकार के साथ और स्पष्टता के साथ हमारे पास इस समय में, में आया है थैंक यू फॉर अस दैट अ लव ऑफ एंड ऑफ ट्रुथ धन्यवाद प्रभु आज आपने अपने वचन के द्वारा हमारे प्रेम को प्रोत्साहित किया कि हमारा प्रेम प्रभु कर्म के द्वारा भी हो और सत्य के द्वारा भी हो दिस इज एग्जिबिटेड ऑन so we thank you. प्रभु जी इस प्रेम को हमने क्रूस पर देखा इसलिए आपका धन्यवाद दिस इज नॉट इम्पॉसिबल लव एट दिस इज डेफिनेटली लव विच इज demonstrated by Jesus himself प्रभु ये प्रेम असंभव प्रेम नहीं है क्योंकि इस प्रेम को प्रभु कलवरी पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया Once again we commit ourselves into your hands फिर एक बार प्रभु अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं Touch each one of us हर हयक को प्रभु तू छू ले Touch everyone who is listening to the voice right now प्रभु इस समय में जो इस वाणी को सुन रहे हैं प्रभु हर एक के हृदय को तू स्पर्श कर Wherever there may be let your hand

प्रभु हो सकता है इस समय में वो कई प्रकार के परेशानियों ऐसी गुजर रहे होंगे प्रभु आप उनके ऊपर उन्हें विजय दीजिए मैसर स्टैंडिंग प्रभु जो शांति हमारे विचारों से परे है इट मे कम एंड एंड इंट देस फादर इसी समय वो उनके हृदय में उनके मन में वो समाने पाए और उनकी सुरक्षा करने पाए ग्लोरीफाई योर नेम तेरे नाम की महिमा होने पाए। एवरी राइट right इसी समय हर एक को तो स्पर्श कर उनके जीवन की हर एक परेशानी में इस समय में उन्हें विजय देख्री इस समय में जो हमारी वाणी को सुन रहे सबको आपके हाथों में समर्पित करते है right पवित्र आत्मा इस समय में जाए और उनको स्पर्श करे ग्लोरिफर आपके नाम को महिमा जीसस नेम वी इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं पिता हमे आमेन आमेन प्रियो हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप कबूतर की वाणी इस कार्यक्रम को हर शुक्रवार सुबह दस बजे से साढ़े दस के बीच शुभ संदेश टीवी चैनल पर देख सकते हैं यदि आपके पास इस संदेश से संबंधित कोई प्रश्न है या आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं हम बड़े हर्ष के साथ आपको हमारी महानयम सेवकाई के बारे में अवगत कराना चाहते हैं महानयम सेवकाई निराधार लोगों के लिए फीडिंग हंगरी इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती है इन इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते उसी प्रकार दिए गए क्यू आर कोड का उपयोग कर अपनी भेंट राशि आपकी इस सेवकाई के लिए भेज सकते हैं। इस प्रकार आप भी इस सेवकाई का एक हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आस्थी आशीष दें। धन्यवाद